स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं अमेठी रायबरेली और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है अमेठी रायबरेली क्यों डर रही है कांग्रेस। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान अनिला सिंह भाजपा प्रवक्ता, उमा शंकर कांग्रेस प्रवक्ता और अनिल बंसल जो वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और उमा शंकर जी, पहला सवाल आप ही से बनता है और इसीलिए समझना चाहते हैं हम कि ये तो वो सीटें हैं जो कांग्रेस के कह सकते हैं कि विरासत, कांग्रेस की राजनीतिक विरासत प्रस्तुत करती हैं ये सीटें। ये सीटें वो सीटें हैं जिनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम जुड़ा होता है, आलाकमान का नाम जुड़ा होता है। ये वो सीटें हैं जिनसे जनता भी उम्मीद करती है कि कांग्रेस यहां पूरा जोर लगा देगी और जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी। फिर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में देरी का क्या कारण है? बीजेपी कहती है कि डर गई है कांग्रेस। ममता जी, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है और देश की जनता को भाजपा पर इसीलिए भरोसा नहीं है कि वो जो कहती है उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। इनके गृह मंत्री भी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 लाख का वादा किया था वो धुंधला था। तो ऐसे लोगों की बातों पर क्या भरोसा करना और क्या उस पे गंभीरता से उसको क्या देना। मोदी जी आज पूरे देश में घूम घूम कर जो बातें कर रहे हैं, देश उसको मजाक के रूप में ले रहा है और देश का जो जनमानस है उसने अपना मन बना लिया है। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, आप अच्छी तरीके से समझ रही, जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए उसमें पहले ही चरण में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का रास्ता दिखा दिया। उससे बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी तमाम बेचैनी भरे भाषण देने लगे। मैं आता हूं अमेठी को। अमेठी में आपने कहा देरी हो रही है, आपने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं डर गए हैं। देरी नहीं हो रही है ममता जी, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और जल्दी ही आपको, कल है लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, कल आपको दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दमदार प्रत्याशी मिल जाएगा। पूरा मजा मिलेगा स्मृति ईरानी जी को भी और ये जो किराए का उम्मीदवार रायबरेली से लेके आए हैं जिसने किसी दल को नहीं छोड़ा है, बसपा हो सारे दलों से चल के ये जो महाशय आए हुए हैं जो कह रहे हैं मैं बड़ा गरीब हूं। मैं अभी सुन रहा था कोई ये भी बताएगा कि गरीबी से अमीरी के प्रचंड सिंहासन पर पहुंचने के पीछे उन्होंने कौन सी कड़ी मेहनत की है वो भी बता देते। उमा शंकर जी, जी उमा शंकर जी आपने अपनी बात कही लेकिन दरअसल हमने कई लोगों के कमेंट्स भी, आम जन लोगों से भी हमारे रिपोर्टर्स ने उन क्षेत्रों में जाकर बात की और उन लोगों ने भी इसी बात को सामने रखा कि ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है तो फिर इतनी देरी क्यों। आपने कहा कि ये तो रणनीति है आपकी लेकिन आप ही के नेता इस बात को सामने रखते रहे हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस में कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति इस सीट पर खड़ा हो और ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति इस सीट पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए। तो क्या ये संकेत नहीं मिलता इससे कि गांधी परिवार के लोग खड़े होना नहीं चाहते इस सीट से? क्या कारण? नहीं देखिए, अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा चल रही है। अभी परसों गुड़गांव में आदरणीय राजबब्बर जी का टिकट घोषित हुआ है। तो ये तो कहीं देरी हो गई, कहीं जल्दी डिक्लेयर हुआ। राहुल गांधी जी का वायनाड से पहले ही लिस्ट में टिकट डिक्लेयर हो गया। अमेठी से रायबरेली से अभी कैंडिडेट नहीं आएंगे, आ जाएंगे, कल नॉमिनेशन हो जाएगा। और दूसरी बात, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो या उत्तर प्रदेश की जनता, वो गांधी परिवार को आज भी अपने परिवार का हिस्सा मानती है, खास करके रायबरेली और अमेठी के लोग। और हमारी भावनाएं गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, इसलिए अमेठी रायबरेली के लोग चाहते हैं, ये उनकी भावना है कि वो यहां से आकर चुनाव लड़े। तो उमा शंकर जी, इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है इसका मतलब कांग्रेस के द्वारा कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से खड़ा होगा? बिल्कुल, ये हमारी उम्मीद भी है और ये हमारी भावनाएं भी हैं कि गांधी परिवार अभी आश्वासन आप भी नहीं दे रहे, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस कहती है भाजपा तो झूठ बोल रही है, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल, उमा शंकर जी जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो इनका कर्तव्य है कि किसी भी तरीके से
अपनी बात को ऊपर रखना, करना भी चाहिए, किसी भी प्रवक्ता का ये कर्तव्य होता है, परंतु ये इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। क्योंकि मजबूरी किस चीज की वजह से? कंफ्यूजन की वजह से। इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है तो कंफ्यूजन तो होना ही होना है, क्लैरिटी नहीं है ना, तभी तो नाम अनाउंस नहीं हो पा रहा है, कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है कि कौन लड़ेगा। हाँ, सोनिया जी पहले राज्यसभा चली गई, ठीक है, रायबरेली अपने परिवार के अलावा ये किसी और को देते नहीं है, ठीक है, वही हाल कुछ अमेठी का है, खासतौर से रायबरेली का है। तो अब राहुल जी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अमेठी से लड़ू कि नहीं लड़ू। हाँ, उधर प्रियंका जी रिलक्टेंसी दिखा रही थी, रायबरेली छोड़ना नहीं है, परिवार में जो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है किसी पर विश्वास नहीं है। फिर हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा चिंता नहीं करो मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, पर उनको तो कोई भाव ही नहीं दिया राहुल जी और सोनिया जी ने कि भाई उनके दामाद कुछ कह रहे हैं, उनके जीजा जी कुछ कह रहे हैं, कुछ ख्याल ही नहीं किया उनका, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये अटर कंफ्यूजन है इस पार्टी के अंदर, फैसला इस परिवार को ही लेना है, परिवार फैसला ले नहीं पा रहा था, इसलिए आप देख रहे हैं डिलीवर कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो आप कहते हैं ना परिकाष्ठा है ये कंफ्यूजन की, हाइट ऑफ कंफ्यूजन इसको बोल सकते हैं जी। चलिए ये प्रियंका गांधी और वाड्रा वाला सवाल मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अनिल बंसल जी के पास जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि अनिल बंसल जी जब हम बात करते हैं अमेठी रायबरेली तो सीधा जहन में, एक आम व्यक्ति के जहन में भी तस्वीर उभरती है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि इतने दशकों से इस पार्टी ने और इन चेहरों ने इस सीट पर राज किया है। लेकिन आज प्रतिष्ठा का सवाल कहें, वर्चस्व का सवाल कहें, या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर कहें, क्यों पसोपेश में नजर आती है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस, क्या ये बोल सकते हैं इधर कुआं उधर खाई वाले एक हालत हो गई है इस वक्त कांग्रेस की, जब हम अमेठी रायबरेली की बात करते हैं? देखिए ममता जी, कांग्रेस ने ये दो सीटें समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में ली हैं, तो ली हैं तो उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा की सीट माना है, तभी ली, नहीं तो वो उसको समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ सकते थे, कोई और दो सीट ले सकते थे। और अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली छोड़ देती तो फिर उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाता कि कांग्रेस के पांव उखड़ गए हैं, और जो उनकी परंपरागत सीट है, जो प्रभाव वाली सीट है, वो भी अगर वो छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनका कोई किस्सा उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। तो ये मजबूरी भी है उनकी और ये उनके लिए जरूरी भी है कि वो अमेठी और रायबरेली सीट अपने पास रखें और यहाँ से मैसेज दें। और मुझे लगता है कि अंततः जो राहुल गांधी का था, चूंकि वो दो सीट से लड़ रहे थे, अगर अभी पहले ही घोषित कर देती कांग्रेस तो जो वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान हुआ वो प्रभावित हो सकता था। तो ये कन्फ्यूजन जानबूझकर, जिसको हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रणनीति भी कह रहे हैं, हम उसे कन्फ्यूजन भी मान सकते हैं, हम उसे कोई उनका डर भी मान सकते, कुछ भी कह सकते हैं, उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी जी को 26 अप्रैल के मतदान का इंतजार था और उसके बाद ही ये था कि वो अमेठी से लड़ें। अमेठी से लड़ना मजबूरी इसलिए भी है राहुल गांधी की, अगर वो नहीं लड़ते तो ये माना जाएगा कि वो डर गए, छोड़कर भाग गए। हार और जीत तो अलग बात है, 2019 में भी वो हार गए थे, 2014 में जीते, पहले जीते चुनाव में, हार हो या जीत हो, सुरक्षित उन्होंने खुद को अपने को 19 में भी कर लिया था दो सीट से लड़के, और इस बार भी वो दो सीट से अगर अमेठी से लड़ते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो दो सीट वो होंगी। तो मुझे लगता है ये कल स्पष्ट हो जाएगा। और आज खड़गे जी की और राहुल गांधी की वार्ता भी हुई है, तो जो रायबरेली सीट है ये चांसेस थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, मांग थी कि प्रियंका यहां से लड़ें। दूसरा सुझाव इनका भी है, जो खड़गे जी हैं, कि उनको दलित चेहरा है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लड़ाने की बात भी कांग्रेस में एक वर्ग की तरफ से की जा रही थी। तो रायबरेली में जो हम सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, चूंकि वो अब उम्र भी उनकी ज्यादा हो गई, स्वास्थ्य खराब है, भाग दौड़ नहीं कर सकती, तो उन्होंने समय रहते राज्यसभा का रास्ता लिया, वो कोई गलत बात नहीं है। अनिल जी, यहाँ पर एक सवाल और, क्योंकि आपने सपा की बात की कि सपा से इस गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीटें ली हैं, लेकिन सपा की बात करें तो सपा तो पिछले कितने ही चुनावों से कांग्रेस के खिलाफ किसी उम्मीदवार को उतार ही नहीं रही थी। पिछला चुनाव अमेठी में 1999 में लड़ा गया था, रायबरेली में पिछला चुनाव 2004 में लड़ा गया था, तब से अब तक सपा कहीं परिदृश्य में थी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेनी पड़ी या ली, ये जरूर एक सवाल है जिसको लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आप कांग्रेस की तरफ से आपका पक्ष समझना चाहती हूं मैं उमा शंकर जी, कि कांग्रेस की ओर से बातें लगातार मीडिया में आती रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा खुद कहते दिखे हैं हमें कि लोग चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, रायबरेली से मैं लड़ना चाहता हूं, क्या हम ये मान सकते हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम सामने आएगा या रॉबर्ट वाड्रा जैसा भी एक नाम सामने आ सकता है? देखिए ममता जी, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने की इच्छा जताना, मुझे लगता है ये कहीं से गलत नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपनी मनसा जाहिर की तो अच्छी बात है, निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी का आला कमान करता है।
और जहां तक चुनाव की बात है, जहां तक हमने अनिला सिंह जी को सुना, हमने प्रवक्ता साथी को भी सुना, देखिए ये हमारी भावना है और ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी है। आज इतनी जो चर्चाएं हो रही, हम लोग बैठ के अमेठी में राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका जी आएंगी नहीं आएंगी, ना होते हुए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अमेठी रायबरेली को लेके चर्चा कर रहे हैं, टीवी डिबेट हो रही है उन पर। अगर राहुल जी पहले ही आ गए होते तो अभी तक तमाम मीडिया चैनल न जाने क्या क्या दिखा रहे होते, यानी राहुल आपको गांधी खुशी है जी के इस बात की खिलाफ, कि आपकी प्रियंका रणनीति गांधी काम जी कर रही है, के कि खिलाफ। मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन एक एक छोटा बिल्कुल सा जवाब आपसे चाहती हूँ। यहाँ पर जाते आते उमा शंकर जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ कि जब किसी क्षेत्र के लोगों पर उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो उस क्षेत्र की जनता को विश्वास में लेना जरूरी होता है, जिताना जनता ने होता है। ऐसे में जब आखिरी जी वक्त तक आप उस प्रदेश की जनता के सामने कोई चेहरा ही नहीं रखते, कोई उम्मीदवार ही नहीं रखते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या विश्वास नहीं है। नहीं, एक चीज मैं बताऊंगा जी। पहली बात तो एक फैक्ट चेक कर ली, राहुल गांधी जी 2019 में निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव हारे, लेकिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी। ये जो राहुल गांधी जी को 19 में वोट मिले हैं वो चेक कर लीजिए, राहुल गांधी जी के वोट 15,000 से ज्यादा 2019 में 2014 की तुलना में बढ़े। ये इसका मतलब राहुल गांधी जी का परिवार लगातार बढ़ा, 14 से ज्यादा वोट हासिल करके उन्होंने अपना परिवार, अमेठी परिवार को और ज्यादा अपने साथ भरोसे में लिया। चलिए लेकिन उमा शंकर जी, इस बार जो लहर है वो जी वक्त कांग्रेस थोड़ा के कम है लिए मेरे है, पास, जिससे लेकिन उमा बौखलाए शंकर हुए जी, प्रधानमंत्री जी रोज अगर हिंदू मुस्लिम करने का अगर केस हो रहा आज है, अगर ये आज नहीं चल आम रहा आदमी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष जनता के द्वारा जो कहे राहुल गांधी का नाम नौजवान सामने बनाए आया कि वो किसान कल बनाए नामांकन अमेठी से बेरोजगार भर है, सकते हैं, उमा शंकर जी, सरपंच उमा बनाए शंकर जी, सभी मैं कर आपकी रहे चर्चा हैं। समाप्त कर रही हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भरते हैं जैसा संकेत मिले हैं बयान से, उसके बाद ये जरूर सवाल जनता के जहन में रहेगा कि वो अमेठी में ही रहेंगे या वायनाड से, अगर वो अमेठी से जीतते हैं तो। खैर चर्चा मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वक्त सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रायबरेली और अमेठी वो सीटें हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी कि कांग्रेस कल नामांकन से पहले किसके नाम की घोषणा करती है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, और बहुत सी अहम खबरें हैं हमारे